गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हमारा क्लास सेकेंड हिंदी सब्जेक्ट में आज जो टॉपिक है वो आपका लेसन 12 है और लेसन टॉपिक का नाम है ऋतुओं। तो ऋतुओं के बारे में आज हम ये लेसन हमारा 12 है उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, और इस लेसन में आए हुए जो हमारे शब्दार्थ है सबसे पहले हम वो कंप्लीट करेंगे। ओके, तो शब्दार्थ में भी लेसन में जो सबसे पहला शब्दार्थ आया है वो है तपना। तपना भी गर्म होना, गर्म होना। ओके, इसके बाद निराली, निराली की क्या है, गुड मॉर्निंग अपर्णा। आवाज आ रही है बेटा? ओके, अब आ आवाज आ रही है। ओके, अपर्णा आप अपने साइड से बेटा आवाज खोलिए, आपके यहां से आवाज बंद है। करो अनम्यूट। आवाज आ रही है, आ आ रही है। हाँ, ओके। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? ठीक हूँ। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, पर मैं अभी नानी के यहाँ हूँ। अच्छा, आप नानी के यहाँ पहुँच गई हैं? हाँ, मैं बुक्स भी लेना भूल गई थी आज। अपर्णा, हाँ? मैं ये बोल रही हूँ बेटा, अब हम लोग क्या है एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं। ओके ओके, तो अभी तक मैंने आपका जो रिवीजन है 11 लेसन तक आपका हो चुका है। ओके ओके, तो अब हम 12 लेसन को रीड करते हैं और ना यहाँ से हम लोग 12 लेसन को लेते हैं, उसके बाद हमको क्या करना है, रिवीजन करना है एग्जाम के लिए। ओके अपर्णा, ओके ओके। आज का जो हमारा लेसन है आप अपने बुक में ऋतुए जो लेसन है उसको निकाल लीजिए। मैं अभी बुक नहीं लाई। ओके ओके, तो फिर हम ऐसे ही रीड करते हैं। ओके, आपके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं ना? तो आपका जो लेसन है वो 12 है और लेसन का नाम है ऋतुएं। ओके, ऋतुएं मुझे आती है। आती है आपको? ऋतुएं हाँ हाँ आती है। तो बोलो कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? ऋतुएं गर्मी की, सर्दी की और बरसात की, सुहावने मौसम की होती है। ओके, तो अब हम जिसको नॉर्मल हम ले लेते हैं ऋतुओं में, जैसे आपने बोला गर्मी, सर्दी को है ना, अब बारिश का मौसम होता है कि नहीं, क्यों करना? हाँ, हाँ होता तो है। हम हाँ तो इस लेसन को हम रीड करने से पहले, समझने से पहले इस टॉपिक में आए हुए जो हमारे शब्दार्थ हैं
जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको हम सबसे पहले समझ लेते हैं, ओके? तो सबसे पहले जो हमारा शब्दार्थ है, ओके, शब्दार्थ है, सबसे पहला हमारा शब्दार्थ है पकना, हाँ ओके, क्या होना, गरम होना, गरम होना, गरम होना। इसके बाद निराली, निराली का अर्थ क्या होता है, निराली अलग तरह की, ओके, अलग तरह की। इसके बाद है भाती, अच्छी लगती, ओके, भाती में अच्छी लगती, अच्छी लगती, ओके। ओके इसके बाद पवन मीन हवा, वायु, शमीन, हवा, ओके, पवन हवा, हवा। इसके बाद है तन, तन, तन शरीर, ओके, तन मीन शरीर, तन मीन शरीर। इसके बाद है शीत, शीत में शीत, ओके, सर्दी की जो ऋतु होती है, ओके, शीत में। इसके बाद है तीखी, तेज, तीखी में तेज। तो इस लेसन में जो है हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हर मौसम के बारे में हमें जो जानकारी है वो यहाँ पर कविता के माध्यम से दी जा रही है, ओके, ओके। तो सबसे पहले हम बारिश के ऋतु के बारे में पढ़ेंगे कि इस ऋतु में बारिश में क्या क्या होता है, ओके, ओके। हाँ, तो सबसे पहले बारिश ऋतु में, ओके, बारिश ऋतु में, बारिश, हाँ, बारिश, बारिश में क्या क्या होता है, यहाँ कविता की पंक्तियां जो दी गई हैं उसको हम पहले रीड करते हैं। काले बादल उमड़े आते, ओके, हाँ, ओके, आते, रिमझिम रिमझिम वर्षा लाते, रिमझिम रिमझिम वर्षा लाते, ताल तलैया सब भर जाते, ताल तलैया सब भर जाते, कोयल मोर पपीहा गाते, कोयल मोर पपीहा गाते, ओके, वर्षा की बूंदे इतराती, ओढ़े छाता, हाँ, ओढ़े छाता या बरसाती, ओढ़े छाता या बरसाती, हाँ। तो बारिश के मौसम में क्या, वो बारिश की ऋतु में क्या होता है कि जो बादल हमें देखने को मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, उमड़े, मतलब आप बादलों का गर्जन देखते हैं ना इस मौसम में, तो इस मौसम में, अब इस ऋतु में क्या होता है कि हमें जो बादल हैं काले रंग के नजर आते हैं, गड़गड़ाते नजर आते हैं, रिमझिम रिमझिम, थोड़ा सा बूंदाबांदी होती है, तो ऐसे क्या होते हैं बादल हमको देखते हैं ना, बारिश भी होती है रिमझिम रिमझिम, जो हमारे आसपास में तालाब होते, थोड़ा सा जिसको छोटा तालाब से छोटा होता है उसको हम तलैया बोलते हैं, ओके, तो ये सब क्या हो जाते हैं बारिश ऋतु में, ये सब भर जाते हैं। कोयल, कोयल की आवाज कैसी होती है, कू कू करके बोलती है, तो कोयल की
हाँ पपीहा, ये सारे क्या करते हैं, अपने गाने गाते हैं। वर्षा की जो बूंदे होती हैं वो क्या होती हैं, इतराती हैं। इतराना मीन गमन करती हैं, इतराती हैं, अपनी मौज मस्ती से इतराती हैं। ओके, और बारिश में हम क्या करते हैं, छाता को क्या करते हैं, ओढ़ते हैं, लगाते हैं ना, हाँ लगाते हैं। और जो बरसाती है उसको हम ओढ़ लेते हैं, और जो छाता होता है उसको हम लगा लेते हैं। इसी मौसम में हम इतना देखते हैं। तो यहाँ पर बारिश की ऋतु के बारे में यही बताया गया कि बारिश की ऋतु में हम क्या क्या देखते हैं। ओके ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्दी ऋतु। जो सर्दी ऋतु है, सर्दी, हाँ सर्दी मीन ठंडी में अब आप क्या क्या देखते हो। ओके, शीत पवन से तन थर्राए, शीत पवन से तन थर्राए, हाँ धूप सुनहरी सबको भाए, धूप सुनहरी सबको भाए, रात बड़ी दिन छोटे आए, रात बड़ी दिन छोटे आए, आग तापना बहुत सुहाए, आग तापना बहुत सुहाए, निकले कंबल और रजाई, निकले कंबल और रजाई, मफलर टोपी की ऋतु आई, मफलर टोपी की ऋतु आई। हाँ तो सर्दी ऋतु में क्या हम देखते हो, आप क्या पहनते हो, आप ठंड से बचने के लिए कौन से कपड़े पहनते हो अपर्णा? ऊनी, ऊनी कपड़े हम पहनते। तो यहाँ पर सर्दी की ऋतु में यही होता है कि शीत पवन की जो पवन मीन हवा चलती है वो ठंडी ठंडी होती है, होती है ना, और उस हवा से हमारा जो तन, तन मीन शरीर हमारा कपने लगता है, थर्राने लगता है, कंपन होने लगती है शरीर बॉडी में। और धूप जो होती है वो धूप हमें कैसी लगती है, सुनहरी लगती है हमें धूप में, हम ठंडियों में ही तो बैठते हैं ना। हाँ हाँ, तो धूप हमें अच्छी, सुनहरी का मतलब होता है अच्छी लगने लगती है। तो ये सबको जो धूप है वो सबको भाने लगती है। ओके, और सर्दी ऋतु में क्या होता है, सर्दी की ऋतु में रात हमारी जो बड़ी होने लगती है और दिन जो होते हैं छोटे, क्योंकि आप होता है ना ऐसा। हाँ, और क्या होता है सर्दी ऋतु में हम सब लोग आग तापते हैं, हमें आग तापना अच्छा लगता है, सभी लोगों को आग जो है सुहाती है, इसमें लिखा है सुहाए। ओके, निकले कंबल और रजाई, क्या करते हैं इस ऋतु में हम लोग कंबल निकालते हैं, ज्यादा ब्लैंकेट्स निकालते हैं, अगर ज्यादा ठंडी होती है तो फिर रजाई को भी निकालते हैं। और ठंड से बचने के लिए हम मफलर डालते हैं, टोपी कैप भी लगाते हैं इस ऋतु में, क्योंकि जब ये ऋतु आती है तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी ऋतु कौन सी होती है, सर्दी वाली होती है। और आपको कौन सी ऋतु, हाँ और आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है, बारिश वाली या सर्दी वाली या गर्मी वाली? सर्दी वाली। ओके, फिर इसके बाद हम जो तीसरी ऋतु पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है, गर्मी ऋतु। ओके हाँ, गर्मी, गर्मी। तो अब गर्मी में क्या क्या होता है, अब कौन सा ऋतु आने वाली है, अब कौन सी ऋतु स्टार्ट हो रही है बेटा, अभी बसंत जो उत्सव हम मनाते हैं उसमें हम बसंत पंचमी का जब उत्सव मना लेते हैं तो इसके बाद बसंत अभी लगा हुआ है, इसके बाद आप क्या होगा, गर्मी आ जाएगी। तो गर्मी में आप क्या क्या फेस करते हो। ओके, तो यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है कि चले आंधिया धूल उड़ाती, चले आंधिया धूल उड़ती, लू चलती तन को झुलसाती, बहे पसीना प्यास सताती, प्यास सताती, हाँ धूप बहुत, धूप बहुत तीखी हो जाती, धूप बहुत तीखी हो जाती, ठंडी छाया सबको भाती, ठंडी छाया सबको भाती, जब गर्मी की ऋतु है आती, आती।
गर्मी की ऋतु है। अब आपको क्या देखा है यहाँ पे कि ठंडी में हमें क्या है, धूप सबको अच्छी लगती है, लेकिन गर्मी में क्या है, धूप से हम उलझ जाते हैं, हम ठंडी ठंडी चीजों को पीते हैं, ठंडक में रहते हैं। तो ये सारी बदलाव जो है हमें किस ऋतु में देखने को मिलते हैं, गर्मी की ऋतु में। तो क्या है, गर्मी की ऋतु में तेज आंधियां चलती है, धूल उड़ाती है, धूल चलती है तो तन, और जब लू भी चलती है तो हमारा तन, तन मीन शरीर बॉडी जो है हमारा क्या हो जाता है, सुलझ जाते हैं, वो हो जाता है ना, हम लोग बिल्कुल कोमल सॉफ्ट रहते हैं, तो हमारा शरीर भी उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। और क्या होता है, बहे पसीना हमारे शरीर से क्या होता है, पसीना बहता है, और जब पसीना बहेगा तो हमें प्यास भी बहुत लगेगी। तो हमें क्या है, गर्मी के मौसम में हमारा पसीना निकलता है और हमें प्यास बहुत सताती है। धूप जो है बहुत तीखी हो जाती है, तीखी का मतलब है कि तेज हो जाती है। ओके, और सब लोग क्या करते हैं, ठंडी छाया चाहते हैं, सबको ठंडी ठंडी छाया जो है सबको अच्छी भांति मीन्स अच्छी लगती है। किस ऋतु में, जब गर्मी की ऋतु आती है तो हमें क्या है, ठंडी छाया अच्छी लगती है। ओके, तो आपने तीनों ऋतुओं के बारे में जो आपकी बुक में दी गई है, तीन ऋतुओं के बारे में, तो आपने उसको रीड किया और समझा भी। इसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए, तो इसमें क्या है अपर्णा, कि हमें अभ्यास कार करना है, ओरल में इस चीज को हमें सीखना है। ओके, मुझे सबसे पहले जो क्वेश्चन ओरल में आपको बताना है कि वर्षा कौन लाते हैं, बादल आते हैं। हाँ, धूप किस ऋतु में अच्छी लगती है आपको, धूप सर्दी की ऋतु, हाँ, और लू किस ऋतु में चलती है, गर्मी की ऋतु, हाँ, ओके। अब इसके बाद आपको कौन सी ऋतु अच्छी लगती है, सर्दी ऋतु, और क्यों अच्छी लगती है ये भी हमको बताइए, क्यों अच्छी लगती है आपको, ठंडी ठंडी हवा चलती है। अच्छा, आपको ठंडी ठंडी हवा चलती है इसीलिए अच्छी लगती है। ओके, और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया, उसमें लिखा है कि आपको लिखना है, लिखिए, प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं, प्रश्न आपको क्या करना है, उसके उत्तर लिखना है। तो आप ओरल में रिवीजन करते चलते हैं, क्योंकि आपको अभी और भी लेसन कंप्लीट करने हैं। ओके, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो बरसात में क्या क्या होता है, बरसात में मेंढक होते हैं, मोर, पपीहा गाती, हाँ, और गाती है, बारिश भी होती है, हाँ, जिसमें हम छाता या परसादी ओढ़ते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन सुनिए, बरसात के बाद कौन सी ऋतु आती है, वर्षा के बाद ठंडी की ऋतु, हाँ, उसको सर्दी की ऋतु आती है। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, हमें पसीना किस ऋतु में आता है, गर्मी ऋतु, हाँ, तो आप पूरा आंसर बोलेंगे कि हमें पसीना गर्मी ऋतु में आता है। ओके, हमारे देश में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, हमारे देश में सर्दी ऋतु, गर्मी ऋतु, बरसात ऋतु, हाँ, तो देखो ठंडी जो ऋतु होती है, जो हम जिसको सर्दी बोलते हैं, उसको हम शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। ओके, ओके, हाँ, इसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है कि आपको कविता की पंक्तियों को क्या करना है, पूरा करना है। तो आपको पहले इस कविता को याद लर्न करना पड़ेगा, और आपके एग्जाम में भी शायद हो सकता है कि आपको कोई भी कविता भी लिखनी पड़े। ओके, ओके, लिखनी आती है पर
करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, लर्न कर लेना एक बार। ओके, इसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो बार है, आपको जोड़ी मिलाना है। जोड़ी मिलाना आता है ना, मैच करना। हाँ तो आप इसमें मुझे बताइएगा जोड़ी मिलाइए। जोड़ी मिलाइए में सबसे पहले आपको सूरज ऑप्शन दिया गया है, दूसरा है बादल, मोर पपीहा, मोर पपीहा आंधी, ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमें जो जिससे मैच करना है उसके लिए हमें आंसर देखो साइड में दिया गया है। तो वर्षा करते हैं, ओके। इसके बाद गाते हैं, धूल उड़ती है, धूल उड़ाती है, और गर्मी देता है। अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ओके ओके। सबसे पहला जो हमारा सूरज हमें क्या देता है, वर्षा का देता है, जगाते हैं या धूल उड़ाती है या गर्मी देता है? गर्मी देता है। मैं या गर्मी देता है, सूरज हमें क्या देता है, गर्मी देता है। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि बादल हमें क्या करते हैं, वर्षा करते हैं या गाते हैं या धूल उड़ाती है? बादल क्या करते हैं? अपर्णा, बादल वर्षा करते हैं। ओके, हमने बादल वर्षा करते हैं। इसके बाद है मोर पपीहा क्या करते हैं? अब हमारे पास केवल टू ऑप्शन बचा है, गाते हैं या धूल उड़ाती है। मोर पपीहा क्या करते हैं? गाते हैं। हाँ, गाते हैं। इसके बाद आंधी, धूल, अब लास्ट हमारा जो ऑप्शन बचता है तो वो हम उसी से मैच कर देंगे कि धूल उड़ाती है। ओके, ये जो है जोड़ी मिलाना था। ओके, और आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बुक में फोर्थ दिया गया है, पढ़िए और लिखिए। तो जो चीज ये लिखी हुई है, जैसे ऋषि, ऋतु, कृषि, पृथ्वी, तो इसको आपको क्या करना है, बार बार रिपीट करके लिखना है। ओके, हाँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको दिया गया है, पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है। वो आता है, आता है ना आपको? हाँ, जैसे यहाँ पर हमें कोई शब्द दिया गया, उसको हमें तोड़ कर लिखना है। यहाँ पर हम क्या चीज देख रहे हैं, जैसे लिखा है तरण, तो यहाँ पर हमें जो पहला एग्जाम्पल दिया गया है तो उसमें हमने उसको तोड़ दिया। तो बस अब आपको ऐसे ही, जैसे शब्द दिया गया है इसको आपको ऐसे ही तोड़ कर लेना है। ओके ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके फिफ्थ में दिया गया है, समान तुक वाले शब्दों की आपको क्या करना है, जोड़ी लिखना है। जैसे यहाँ पर छोटे शब्द दिया गया है, छोटे शब्द में मोटे से जोड़ी मिली हुई है, तो बरसाती, इतराती, कांपना, तपना, धूप, हाँ, रजाई, सजाई, 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 सजाई
यहाँ पर हमें तुक वाले शब्द हाँ दिए गए। इसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का वह नंबर है, पढ़िए और समझिए। ओके तो ओके। इसमें क्या है, हमें यहाँ पर चित्र दिए गए। सबसे पहला सूर्य, सूर्य हाँ, रवि लिखा है रवि हाँ। तो ये जो हमें चित्र बने हुए हैं तो ये हमें ऑप्शन, इनको हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जैसे आप सूरज पढ़ते हो सूरज हाँ, तो सूरज का दूसरा नाम सूर्य भी होता है, रवि भी होता है। तो ये सारी चीजें एक नाम के कई नाम होते हैं, वो पर्यायवाची शब्द। जैसे यहाँ पर बादल दिया गया, तो बादल को और हम नाम किससे जान सकते हैं, मेघ घन। ओके मेघ घन हाँ। जैसे पेड़ दिया गया तो पेड़ को और हम किस नाम से जान सकते हैं, वृक्ष तरु। ओके हाँ तो ऐसे ही हाँ। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया है, पढ़िए समझिए और लिखिए। ओके यहाँ पर आपको देखना है, जैसे यहाँ पर लिखा है चलता, तो यहाँ पर हमने जो है जेंडर चेंज कर दिया। यहाँ पर लड़का के लिए बोला जा रहा है जैसे चलता, तो यहाँ पर कर दिया हमने चलती चलता चलती। दूसरा क्या है, बहता बहती बहता बहती बहती। ओके तीसरा ऑप्शन दिया गया है निराला, निराला निराली निराली निराली। और जैसे लगता लगती क्या होगा, है काला काली। ओके काली। ओके इसके बाद यहाँ पर हमें सही जो शब्द दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सिक्स का बा है, शब्दों को आपको सही क्रम में लिखकर वाक्य को बनाना है। तो यहाँ पर दिया गया है जैसे सब भर काल तलैया जाते, तो आपको सही ऑप्शन में क्या, इसका सही जो वाक्य हम बनाएंगे उसमें क्या दिया गया, ताल तलैया सब भर जाते। ओके दूसरा ये आता है, आता है ना। ओके फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में दिया गया है, यहाँ सर्दी गर्मी और वर्षा से संबंधित चित्र दिया गया है, उनमें से संबंधित तीन तीन आपको वाक्य लिखना है। सर्दी के मौसम में आप क्या करते हो उसके बारे में आपको तीन वाक्य तीन लाइन लिखनी है। ओके गर्मी की ऋतु में बारिश की ऋतु में ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर चित्र अलग अलग दिए गए ना, ये बारिश में दिया गया, ये गर्मी की ऋतु में, तो आपको तीन तीन वाक्य यहाँ पर लिखने, ये आपकी सर्दी ऋतु के बारे में है। ओके फिर इसके बाद आपको जो लास्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट में दिया गया है, आपको कविता को याद करना है। ओके ओके तो ये जो कविता दी गई है इसमें क्या है, आपको कविता को लर्न करना है। इसमें है सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवाएं जोरों गर्म हवाएं जोरों की चलती जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता, हाथ सभी के पंखा रहता, आधे बादल काले बादल, सफेद बादल काले बादल, हाँ गर्मी दूर भगा रे बादल, गर्मी दूर भगा रे बादल, गर्मी दूर
ये बादल, रिमझिम बूंदे वर्षा बादल, रिमझिम बूंदे वर्षा बादल, झमझम पानी वर्षा बादल, झमझम पानी वर्षा बादल, लेकर अपने साथ दिवाली, लेकर अपने साथ दिवाली, सर्दी आई बड़ी निराली, सर्दी आई बड़ी निराली, शाम सवेरे सर्दी लगती, शाम सवेरे सर्दी लगती, और पर स्वेटर से है वह भगती, क्या मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, पर टन स्वेटर से है वह भगती, टन बटन से है वह भगती, क्या ओके। और आपको क्या करना है, अपनी ड्राइंग बुक में सूरज और बादल का आपको एक चित्र बनाना है, ओके ओके, और उसमें आप ड्राइंग भी करेंगे, ओके ओके। इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक लेसन आपका जो 13 है इसको हम आके मंडे को कंप्लीट करेंगे, ओके ओके ओके। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम, ओके बाय बाय।